Venut! शहंशाह, मैं भाई बोल रहा हूँ। हाँ बोल। यहाँ क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। दो अनजान आदमी ने मेरे आदमी को खत्म कर दिया। वो कौन है मैं नहीं जानता। हमारे एरिया में घुस के हमारे आदमी को मारा। मुझे बहुत डर लग रहा है। लगता है हमारा प्लान लीक हो गया है। तुझे कुछ नहीं होगा। वो जो भी होगा नहीं बचेगा। तू अपनी दुकान बदल। फिर हमारा प्लान? जितना बोला है उतना कर। ठीक। क्या हुआ सर? होनी का पता चल गया है। कौन है सर? वो अपने में से ही है। हेलो, बोलिए डैड। तुझे एक काम दिया, तू वो भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। पूरी इंडिया तेरे कंट्रोल में है। तेरे पास सैकड़ों लोग हैं। कैसे यूज करना है पता नहीं है क्या? जो काम दिया है उसे पूरा होने तक उन पर नजर रख। जरा सी भी चूक हुई तो वहीं पर उन्हें खत्म कर देना। इस बार वार मिस नहीं होगा। सकर के दिखा। तूने ऐसा क्यों किया? मुझे करना पड़ा पापा। लगता है तेरा गुनाहगार मैं हूँ। आप लोगों ने कुछ किया भी तो नहीं। हमारे ऊपर सरकार है। 5 साल हो गए। खूनी तू ये पता चल चुका है। अब बस कर। जिंदगी के बारे में सोच। मैं संभाल लूंगा। नहीं होगा पापा। तुम्हारा चाहेगा। ये सब उसके लिए है। वो आतंकवादी है। खुशियां मनाओ। आपका अपंग कानून जो नहीं कर पाया वो मैंने किया है। अब अगर एक भी गलत कदम उठाया तो मुझे तुझे हथकड़ी पहनानी पड़ेगी। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। इस वक्त आप पिता की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा समझाने का मौका नहीं दूंगा। मैं आपके पास आऊंगा पापा। बाय। रुक जा। पापा को फोन किया? मैंने कहा था ना उन्हें फोन मत करना। पापा मोस्ट वांटेड लिस्ट में हैं। पुलिस ने ट्रेस कर लिया तो? नहीं भाई, वो हमारे आदमी को मार दिया ना, इसलिए जल्दबाजी में वो हमें यहाँ ढूंढते हुए आया तो? क्या पता, हड्डी की लालच में कुत्ता ऐसा कर रहा है कि नहीं पता नहीं। एक बार मिल जाए इसका दोनों हाथ निकाल दूंगा। वो हमारे इलाके में घुसकर हमारे आदमी को मार रहा है, इसका क्या मतलब है? समझे कि वो हम में से एक है और हम पे वॉच रख रहा है। कौन है, क्या है, कैसे पता चलेगा? चलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे आदमी है? नहीं नहीं, हमारे लोग ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे पीछे कोई खेल खेल रहा हो तो पहले तुम अपनी दुकान का टॉप टू बॉटम चेक करो। किस लिए? जो कहा जाए वो करो। क्या बात है भाई, बहुत घबरा है। चुप रह, बाहर जा। हेलो, मैं भाई बोल रहा हूँ। कल शाम को ठीक 4 बजे पूरे माल को मेरे गोदाम में पहुंचा दो, मैं वहीं मिलूंगा। विनोद, तू यहीं पर रुक। तेरा चेहरा भाई अच्छी तरह से पहचानता है। तुम दोनों वहां जाके कहीं पे छुप जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। देखो जा रहा है। जो बोला वो याद रखना। चलो।
पागल की औलाद, तू मेरे साथ गेम खेलेगा? ए, खत्म कर दो सबको। देखो वो जा रहा है। जो मैंने कहा वो मत करना। क्यों? जिसे हम ढूंढने आए थे वो यहाँ नहीं है। अंदर गए तो सब मारे जाएंगे। मतलब 5 मिनट में हम सब मर जाएंगे क्या? दरवाजा खुला है, मैं देख रहा हूँ। अंदर गए तो समझो गए, हम वहाँ गए तो उनके जाल में फंस जाएंगे। उनके प्लान को अपने तरीके से खेल के अगर हमने हिसाब से काम किया तो हम इस मुसीबत से बच सकते हैं। जो तू कह रहा है सही कह रहा है ना? गलत होता तो वो लोग इसे मार्केट में मार के फेंक देते। फिर हम उसका पता कैसे लगाएंगे? मुझे लगता है हम लोगों को अपनी GPS डिवाइस ट्रैक करनी चाहिए, वो वहीं मिलेगा। चलो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ खतरा है। उसके बाद हमने उस पागल को देखा ही नहीं, तो उसे ढूंढे कैसे? समझ में नहीं आ रहा। भाई, उसे मारना हमारा मकसद नहीं है, बस प्लान पूरा करना है। तो हम अब क्या करें? उसे बाद में उड़ाएंगे, पहले माल को यहाँ पहुंच जाने दो, फिर बताता हूँ क्या करना है। हम क्या करने वाले हैं और कौन कौन है ये भाई को कैसे पता चल गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई को माइक मिल गया हो? छे, उन लोगों की नजरें तमिलनाडु में कहां कहां पर होंगी, ये मुझे पहले पता लगाना होगा, फिर अपना प्लान बना के इस शहर को बचाना है। तूतुकुड़ी, मदुरई, कालकुड़ी, चेन्नई, इन चारों जगह पर इनका क्या कनेक्शन है? नमस्कार, आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। अभी अभी तमिलनाडु के कई बड़े शहरों से बॉम्ब ब्लास्ट की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में आकर अपना नाम और भेष बदल कर रह रहे हैं। Les terroristes attaquent les centrales électriques aux provinces de Tamil Nadu. Tamil Nadu in total blackout. The power stations of the entire state of Tamil Nadu in India have been demolished. डीजल, पेट्रोल और केरोसिन तमिलनाडु से पूरी तरह से खत्म हो चुका है और लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तमिलनाडु में जख्मियों के इलाज के लिए दवाइयों की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए आसपास के राज्यों से मदद ली जा रही है। तमिलनाडु में जो धमाके हुए हैं उससे सिर्फ हमारा राज्य ही नहीं बल्कि पूरे का पूरा देश सकते में आ गया है। इंडिया पाकिस्तान दोनों जंग की कगार पर हैं। तमिलनाडु के सारे पावर स्टेशंस को उड़ाने का प्लान है उनका। तमिलनाडु में कुल 9 बड़े पावर स्टेशंस हैं। एनूर, चेन्नई, मैटूर, कल्पाकम, कोडंगलम, पापनाशम, तूतुकुड़ी, वेगई, नेवल,
ये सारी जगह पूरी तरह से तबाह कर दो। सब डिस्ट्रिक्ट्स के सब स्टेशंस को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। पावर स्टेशंस को उड़ा दो। टोटल तमिलनाडु ब्लैकआउट हो जाएगा। जनरेटर का यूज करना पड़ेगा, लेकिन कब तक? डीजल, पेट्रोल, घासलेट सब कम पड़ जाएंगे। उन सब की कीमतें आसमान छुएंगी। इस तरह सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट भी कब तक सबको संभालेगी? तमिलनाडु को नक्शे से गायब कर दो। हमारे देश की आबादी और इकोनॉमी स्टेट में तमिलनाडु भी एक है। देश की इकोनॉमी को कायम रखने में तमिलनाडु अहम है। दुखती रख पर ही अब चोट करनी है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारे स्टेट का क्या होगा, जरा सोच के देखो। हमारा स्टेट बहुत पीछे चला जाएगा। फिर से उसे पटरी पर लाते लाते 20 से 30 साल लग जाएंगे। इसी तरह हमें हर स्टेट को तबाह करना है। हर स्टेट को करना है? ये तो किसी इंग्लिश फिल्म के सीन की तरह भयानक है यार। पाकिस्तानी आतंकवादी को हम कैसे मारेंगे? मारेंगे। पाकिस्तान और हमारी सेना जब आमने सामने होगी तो उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक दो दिन में पूरा होने वाला खेल नहीं है। उन लोगों की यही सोच है कि हमारा देश कभी आगे ना बढ़े, इसीलिए डेवलप शहरों को ही टारगेट कर रहे हैं। इसमें तुम्हें कोई शक है क्या? यार तुझे तो घटना होने के 5 मिनट पहले पता चलता है, तो ये कैसे पता चला? वो तो मैं भी नहीं जानता, पर ये घटना होने वाली है ये जानता हूँ, लेकिन कब होगी ये नहीं पता। सारा काम टाइम पे हो जाना चाहिए। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। इतने बड़े हादसे को कैसे रोक पाएंगे? वो तो मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। कौन है तू? काम पूरा होने दो, फिर पता लगाता हूं। तब तक बिना टेंशन के रिलैक्स रहो। हेलो। एक अच्छी सी लड़की लाओ, एकदम मस्त नाचने वाली। केजी, भाई का कॉल ट्रैक किया था, वो लड़की मंगवा रहा है, अपनी कोई लड़की भेज दे क्या? इतना बड़ा रिस्क कौन उठाएगा यार। है एक लड़की, हम जिसे ढूंढ रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन है? कैसे साइंस के स्टूडेंट्स हो, बायनिकलनेस के बारे में नहीं सुना? अब पढ़ाई पूरी ही कहाँ हुई है, वो छोड़। अब तू ये बता, करना क्या चाहता है? भाई के पास जो लड़की जाएगी उसकी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस होगा, वो जहाँ भी जाएगी जो भी देखेगी रिकॉर्ड हो जाएगा। हम वैन में बैठ के सब कुछ देख सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि वो शैतान कौन है। हेलो, ये जलवा मेरे हुस्न का, मेरे जैसा ना कोई जहान में बच ना पाएगा। कोई यहाँ पे ऐसा है नशा मेरे शबाब का। चले मन सुन ले, दिल ने कहा ये तुझसे, तू डूब जा जान जा, भीग भीग रातों में ले ले मजा मेरे हुस्न का, जरा नशा चख ले, आ जरा नशा चख ले, ले तू आ जरा नशा चख ले। छा गई, देखा तूने एक नजर में तुझको ही बहका गई, होठों पे प्यास है तेरी ही आ...
खास है, बाहों में भरने भरने रात भी खास है। मेरी नीली आँखों का जादू कर देगा तुझको बेकाबू, अपना चला तू पास आजा मेरे राजा। ले ले मजा मेरे ये हुस्न का, जरा नशा चख ले। ब्रेकिंग न्यूज, तमिलनाडु के कुछ इलाकों में आतंकवादियों ने अपने गंदे मंसूबों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। सीबीआई चीफ सलीम मलिक और गणेश का कहना है कि ये आतंकवादियों का ही काम है, सारी जांच के बाद ही सब बातें खुलकर सामने आ पाएंगी। अबे साले हरामजादे, देख इधर, देख साले, समझता क्या है अपने आपको, आ इधर आ। अबे साले कमीने, तू किसे बांध के रखा है पता है तुझे? हाँ आ इधर, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है हरामी। अबे साले छोड़ मुझे, देखता हूं तुझे, छोड़। अबे साले क्या समझता है अपने आपको, तू जानता नहीं है मेरा बाप कौन है। अबे साले तू जानता नहीं मैं कौन हूं। तमिलनाडु तेरे बाप का है, तू है कौन, मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है पता है तुझे? इसे पहचानता है क्या? इसमें चिप नहीं है। ए, चिप कहाँ है बता, गूंगी है क्या? मारो इस लड़की को। चे, चिप कहाँ है? ए, हाथ छोड़ उसका। ए, कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो मुझे बताओ, क्या चाहते हो? ए, चिप कहाँ है पूछ। चिप कौन सी चिप, तुम्हें लोगों की फोटो निकाल रही थी क्या? अरे कौन सी चिप की बात कर रहे हैं, दे दो इनको, हमें इनसे पंगा नहीं लेना, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। तो मेरी बात मानो, वो चिप दे दो इनको, हम यहाँ से चले जाएंगे। मेरी बात मानो, वो चिप दे दो, सुनना मेरी बात, बताना वो चिप कहाँ पे, बताओ ना, बोलती क्यों नहीं तुम?
अच्छा तो तू था। बहुत अच्छे, दिखने में तो बच्चा है मगर दम है। तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। तूने मुझे तेरे जैसा आतंकवादी समझ रखा है क्या? जैसा तू सोचता है वैसा नहीं होगा। तू अभी बच्चा है, तू ना समझ है, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। हाँ मैं टेररिस्ट हूँ, पर तुझे नहीं पता मुझे मिलने के लिए कितने लोग पैसा लेकर इंतजार कर रहे हैं। इंडिया को बर्बाद करना सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं और देशों का भी सपना है। एक को जिंदा रखने के लिए दूसरे को मारना ही पड़ता है, यही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? अपना देश आबाद रहे और बाकी सब बर्बाद हो जाए, यही ना? मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, वो मुझसे करवा रहे हैं और मुझे मेरी मुंह मांगी दौलत भी दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, मेरे देश की पुलिस और मिलिट्री भी मुझे रोक नहीं रही है। मेरे बाप के अंडर में कितने देश है ये तुझे नहीं पता। मतलब तुम लोग आतंकवादी पैदा करने का फैमिली बिजनेस शुरू कर रहे हो? दिन में 100 रुपए कमाने वाला मजदूर भी मेरे देश में सुकून से रह रहा है। तुम लोग दौलत वजन के हिसाब से लेते हो, क्या करोगे उसका? वो मजदूर है इसीलिए 100 रुपए में खुश है, लेकिन मैं इंटरनेशनल डॉन हूं। तू इंटरनेशनल डॉन हो या लोकल, कुछ नहीं उखाड़ सकता। तू यहां पर आया है मेरे हाथों से मरने के लिए। तेरा बाप, तुम सबको मैं जमीन के 6 फुट नीचे गाड़ दूंगा। तेरा बेटा मर गया, कल न्यूज में पढ़ लेना। hey,
फोन उसके हाथ में दे। ए, बोला ना वो मर गया। ए, कौन है तू? तू जहां कहीं भी छुप जा, मैं तेरा पता लगा के नामो निशान मिटा दूंगा। मैं कहीं नहीं छिपूंगा, मैं तमिलनाडु के चेन्नई में ही रहूंगा। यहाँ के मेरा पता लगा लेना, वरना मैं वहां आऊंगा तुझे ढूंढते हुए। आऊंगा और तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा। किसी को भी नहीं मिला, वो मुझे मिल चुका है। ये मेरा देश है और यहां सब मेरे अपने हैं। आतंकवादी चाहे जहां का भी हो, उसे मारूंगा आखिरी सांस तक।